साथियों नमस्कार, मैं मंजीत कोत है। आज अलेवा में मौजूद हाँ और असंध की तरफ जा रहे थे, लेकिन एक भयंकर एक्सीडेंट थोड़ी देर पहले हुआ है। तो ये बिल्कुल देख सकते हैं, ट्रक का एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। तो देख सकते हैं किस तरह यो इस डिवाइडर जो साइड में ये नाला बन रहा है, इस नाला के ऊपर को कूद गया है और उड़ा है, कई सफ़ेद ज़्यादा टकराया गया है। तो यह लोकेशन आपने बताओगे जो सरस्वती पब्लिक स्कूल हालेवा में असंद की तरफ जाने देने, और पास में थाना भी है, पुलिस थाना लग गया है। तो उड़ा है, कई एक्सीडेंट हो या तो देख सकते हैं इसमें जो थर्मल की राख हुआ है वो राख भरी है। तो एक साइड उस साइड को बिक जाए, वो पहली साइड को दिखाते, एक मिनट चलो उस साइड देखो, बिल्कुल देख सकते हैं किस प्रकार यो इस जो बहुत बड़ा साइड का गड्ढा था इसमें गिर गया है। और लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर और एक और साथ में था तो बिल्कुल ठीक है, कोई भी चोट खरोच कुछ भी नहीं है। लेकिन ये देख सकते हैं बिल्कुल एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। इस साइड देखो कुछ इस तरह भी बताया जा रहा है, जो पूरे पास में खड़े हैं कि क्रॉसिंग है पीछे, तो क्रॉसिंग कोई साधन क्रॉस करता होगा और ये सीधा ट्रक है इस साइड को आया। इस साइड दिखाई एक मिनट, तो बिल्कुल सीधा ये जो ये बैरिगेड से लग रहे थे ये तोड़ के और सीधा जा गिरा। अच्छा, देखो इस पर को चढ़िया है, यो ये पत्थर है यो भी टूट गया है, तो पत्थर भी नीचे गया और जो बैरिकेड से ये भी तोड़ दिए गए, जो सफ़ेदा सफ़ेदा टूट रही। आप देख सकते हैं कि इतना भयंकर या फिर एक्सीडेंट कह सकते हैं इसको। ड्राइवर कौन सा है ड्राइवर ये भाई आप भाई, अच्छा दूसरी गाड़ी बताएं, तो ड्राइवर नहीं बताया जा रहा वो बैठे हुए हो गए, ड्राइवर कौन सा है? मैं तो सुबह निकला था पढ़ी थी गाड़ी। पढ़ी थी, अच्छा तो किस तरह लगा है, कोई शराब नशा या फिर कुछ? मैं तो निकला था चलते। अच्छा, चलो देखो अब तक तो कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा रहा कि कोई नींद का झटका था, शराब थी या फिर क्रॉसिंग में कोई दिक्कत आई है। लेकिन जो ट्रक था वो चकनाचूर हो गया है, बहुत नुकसान हुआ, माल का नुकसान है और जो ड्राइवर है और एक साथ में था वो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो देख सकते हैं ये सफ़ेदा सफ़ेदा देख लो कितना मजबूत, वो भी टूट कर एक साइड में पड़ा है कितना। एक बार इसका अंदर दिखाइए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भयंकर होगा, ये दिखाइए एक मिनट। और भोले बाबा बिल्कुल ठीक ठाक हैं, ठीक बैठे, लेकिन देख सकते हैं ये कितना भयंकर एक्सीडेंट दिख रहा है, यानी टूट फूट भी अपने साफ साफ दिखाई दे रही है। और इस मनीष सुरो को ले एक मिनट, बॉडी भी फट गई इसकी, जो थर्मल की राख थी वह राख भी सारी इस धान के खेत में गिरन लग रही है। तो देख सकते हैं जो सारा ट्रक है ये चकना चूर हो गया है, ये जो थाना के पास में हुआ है, जींद असंध रोड पर है ये, बिल्कुल ये सफेदिया पूरा आकर रुक गया और इसके रुकने से ही वो टूट फूट होगी सारी। तो को हो सकता कोई क्रॉसिंग हो या फिर नींद का झटका हो या फिर कुछ शराब का भी नशा कर रहे हो, कुछ नशा और करके चल रहे हो, लेकिन अब तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई क्योंकि जो ड्राइवर है वो और जो एक और साथ में था उधर नहीं है, वो आसपास जा रही, लेकिन चोट पेट कुछ भी नहीं है, जो माल का बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो साथियों इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अगर कोई मौका पर था तो बात करांगे एक बार। तो ये आपको दिखाया किस तरह के एक्सीडेंट हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि जो ये इसके आगे गाड़ी थी, जो ट्रक है उसके आगे गाड़ी चल रही थी और उस गाड़ी के पीछे, वो गाड़ी स्पीड में थी ये स्पीड में था, लेकिन उसने एकदम ब्रेक लगा दिया अगली गाड़ी ने, तो ये साइड टाड़न लग गया, अलग से थोड़ी साइड निकाली तो ये जो अपने डिवाइडर है दिखा नाला है, इस नाला के ऊपर टायर चढ़ी और सीधी सफेदे में जा लगी। तो साथियों अलेवा के पास जो सरस्वती स्कूल है उसकी यह तस्वीर आपने दिखावा थे, और इस वीडियो को भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ये नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं और ये जींद से असंध रोड है, ये आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो वो इसमें दो व्यक्ति थे, एक ड्राइवर था एक साथ में और था, वो ठीक ठाक बिल्कुल सही सलामत बताए जा रहे हैं। तो साथ ही इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।